नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल हमास जंग की। क्या न्यूक्लियर अटैक करने वाला है हिजबुल्ला? ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कहां-कहां आईडीएफ और हमास के बीच हुई है आमने सामने की जंग, और अल शिफा अस्पताल में क्या है ताजा हालात, इसके लिए देखिए इजराइल फिलिस्तीन युद्ध टॉप नाइन। गाजा में इजरायली फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन का सबसे विध्वंसक वीडियो सामने आया है। इजरायली सेना चुन चुन कर हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। विस्फोटक लगाकर हमास के सेंटर को तबाह किया जा रहा है। गाजा में 41वें दिन भी भीषण जंग चल रही है। आईडीएफ की रिजर्व ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया। हमास लड़ाकों और इजरायली फोर्स के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली सेना हमास के बड़े नेताओं के घर पर चुन चुन कर हमला कर रही है। आईजीएफ ने हमास के चीफ हानिया के घर पर विध्वंसकारी हमला बोला है। बारूदी हमले से हानिया का घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आईजीएफ ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। हमास चीफ इस्लामिक हानिया के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इजरायली फोर्स ने भारी संख्या में रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक जब्त किए हैं, साथ ही एंटी टैंक मिसाइल और खुफिया दस्तावेज भी मिले हैं। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना भीषण बमबारी कर रही है। बेइत लाहिया में आईजीएफ ने फास्फोरस बम से हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल ने हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी इजरायल पर फास्फोरस बम फोड़ने का आरोप लगा था। कलकलिया में भी इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच खूनी संघर्ष जारी है। आईजीएफ ने हमास समर्थकों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान हमास समर्थकों ने इजरायली सेना पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर कार्रवाई की। बैतलहम में इजरायली सेना ने छापेमारी की है। हुसन गांव में रेड के दौरान कई हमास समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। इजरायली सेना ने गाजा के साथ साथ लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली वायुसेना हिजबुल्ला के अटैक का बारूदी जवाब दे रही है। आईजीएफ ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर मिसाइल से हमला बोला है। विध्वंसकारी हमले में हिजबुल्ला के ठिकाने तबाह हो गए। इजरायली सेना लगातार शिविरों को निशाना बना रही है। अल फर्रा शिविर पर आईजीएफ ने भीषण हमला किया। हमले के दौरान इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमास और आईजीएफ के बीच कई घंटों तक खूनी संघर्ष हुआ।